Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari, and in this video we are going to discuss about the mutual funds. A question over the mutual fund. हमें इस क्वेश्चन में कुछ हटके चीजें निकालनी है. जो अभी तक हम क्वेश्चन देखते आए थे वो कुछ अलग तरह के थे, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है. नाउ देर इज वन कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन कॉल्ड एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. अब ये क्या होता है, ये बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप प्रॉफिट कमाते हो साल भर में, तो उसमें से कुछ हिस्सा हम डिविडेंड बांटने के लिए रख लेते हैं. क्यों? नॉर्मल प्रोसीजर क्या होती है, मैं आपको पहले बताता हूं कि कंपनी ने साल भर ऑपरेट किया, कॉस्ट आई, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है, डिविडेंड बांटती है. आई बात समझ में? कंपनी ने डिविडेंड बांटा, उसके बाद बाकी का पैसा रिटेंशन में चला जाता है. ऐसे हर साल प्रोसीजर शुरू रहती है. लेकिन अगर किसी साल लॉस हुआ तो उस साल डिविडेंड फिर आप नहीं बांटते नॉर्मली, ठीक है? मतलब जब फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही नहीं है उस साल डिविडेंड नहीं बांटा जाएगा. सिंपल सा बोलने का मतलब है उस साल भी डिविडेंड हम बांट सके ऐसी हमारी कैपेसिटी हो, इसलिए पहले से ही मैं रिजर्व बना के रखता हूं. This is dividend equalization reserve. So you keep on maintaining the reserve for everyone. ठीक है? So this is the basic meaning of the dividend equalization reserve. आगे जब question solve करेंगे तो question के हिसाब से और क्या entries लेने की जरूरत है ये भी हम discuss करेंगे. Let's have a look. आपके सामने ये question दिख रहा है. On 1st April, an open-ended scheme of mutual fund had 300 lakhs unit. आउटस्टैंडिंग विथ नेट असेट वैल्यू ऑफ 18.75. ध्यान देना टाइमिंग को, ये मैं टाइम ले लेता हूं यहां पे. दिस इज 1st अप्रैल, 30th अप्रैल, 31st मई और 30th जून. बात चल रही है 1st अप्रैल की. 1st अप्रैल को आपकी एनएवी थी 18.75. ठीक है, दिस इज ओपनिंग एनएवी, बिगिनिंग एनएवी. आगे आपको क्या लिया हुआ, एट द एंड ऑफ अप्रैल इट इश्यूड 6 लाख यूनिट एट ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड. ये यहां पे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स इश्यू किए गए, 6 लाख यूनिट इश्यू किए गए एट ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड. मतलब यहां एनएवी कितनी होगी आपकी, 18.75 प्लस 2% लोड, यानी आपने जो पैसा कलेक्ट किया वो है 19.125 के रेट्स. अब एक्चुअली जब हम आगे देखेंगे तब इससे भी ज्यादा अमाउंट निकलेगी जो हमने कलेक्ट की है, फिलहाल आप इतना समझ लो. ठीक है, आगे. एट द एंड ऑफ मई 3 लाख यूनिट्स वेर रीपर्चेस्ड. अच्छा, स्टार्टिंग में कितने यूनिट थे, 300 लाख. सो 300 लाख स्टार्टिंग में यूनिट थे, अप्रैल में 306 लाख हो गए. अब 31 मई को हमने वापस कुछ यूनिट्स खरीद लिए, 3 लाख यूनिट्स हमने खरीद लिए, तो 3 लाख यूनिट हमारे पास से कम हो जाएंगे. 306 लाख माइनस 3 लाख इज 303 लाख. ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या दिया, एट ओपनिंग एनएवी लेस 2% एग्जिट लोड. एट ओपनिंग एनएवी यानी अगेन 18.75 लेस 2% एग्जिट लोड. अब आप बोलोगे सर यहां पे अगर हम रिडीम कर रहे हैं या रिपर्चेस कर रहे हैं तो इसकी ओपनिंग एनएवी तो ये हो गई 19.125. नहीं, ये ओपनिंग एनएवी नहीं है, ये प्राइस है जिस पे मैंने 6 लाख रुपए के 6 लाख यूनिट्स खरीदे हैं. एनएवी कुछ और ही होगी, जो भी होगी. ओपनिंग एनएवी इज 18.75 फॉर ऑल द केसेस जो क्वेश्चन में दी हुई है. सो 18.75 में 3 लाख यूनिट्स खरीद लिए, तो आपने यूनिट्स खरीदे तो पैसे दिए होंगे, यानी 18.75 दिया होगा, लेकिन एग्जिट लोड या एंट्री लोड हम कलेक्ट ही करते हैं. ठीक है, तो एग्जिट लोड भी दोगे क्या आप? नहीं, एग्जिट लोड आप चार्ज करोगे. तो एग्जिट लोड आपके पास आएगा, 18.75 आपके पास से जाएगा. सो मैं वो एग्जिट लोड इसमें से माइनस करूंगा, 18.75 में से 2% एग्जिट लोड माइनस हो जाएगा, तो वो हो गई 18.375. ये पैसा जाएगा, इसलिए मैं माइनस में लिख रहा हूं. आगे, एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन. ऊपर भी देखा होगा आपने एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, तो अभी इसमें एडजस्टमेंट करना बाकी है, ये मान के चलना. ठीक है, अब एट द एंड ऑफ जून 70% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड. जितना भी अवेलेबल इनकम था यहां पे 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया.
मैं इनकम भी ले लेता हूं यहां पे। आगे देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रैल टू जून क्वार्टर द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। पोर्टफोलियो वैल्यू एप्रिसिएशन 425.27, पोर्टफोलियो की जितनी भी वैल्यू थी उसमें एप्रिसिएशन कितना हुआ 425.27 लाख का, ये हम बाद में लेंगे। अप्रैल की इनकम दी है 22.95, उसके बाद मई की इनकम दी है 34.425, जून की इनकम दी है 45.450। चलो ठीक है, तीनों मंथ्स की हमको इनकम दी हुई है। अब हमको कैलकुलेट क्या करने बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ 30 जून। 70% इनकम हमने बांट दी, ठीक है। तो पहले हमको निकालना है कि हमारे पास कितनी इनकम थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसका 70% हमने बांटा है। सो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा 30 जून के पॉइंट पे हमारे पास इनकम कितनी थी, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद इश्यू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, ये रहा। पहले तो इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे मान लो मैं एक ले लेता हूं, फिर आप निकालोगे कि इश्यू प्राइस यहां पे क्या है। जनरली 19.125 तो मैंने ले लिया, लेकिन इसमें जब डिविडेंड एडजस्ट करोगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, तो ये इश्यू प्राइस आ जाएगी। उसके पास रीपर्चेस प्राइस एट द एंड ऑफ मे, तो यहां की प्राइस, वो भी 18.375 में डिविडेंड इक्वलाइजेशन एडजस्ट करोगे तो ये आ जाएगी। नेट असेट वैल्यू एज ऑन 30 जून, यानी कि ये ऐसे चार पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं जहां पे आपको वैल्यूज निकालनी है या आंसर निकालना है इस क्वेश्चन का। सो लेट्स हैव लुक ऑन द आंसर। चलो सबसे पहले मैं इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ये कैलकुलेट कर लेता हूं। पार्टिकुलर्स आ जाएंगे मेरे, यहां इनकम ले लेता हूं, यहां यूनिट्स ले लूंगा और इनकम पर यूनिट यहां आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इनकम फॉर अप्रैल, अप्रैल मंथ की इनकम कितनी थी आपकी 22.95। अब आप ये बताओ पूरे महीने भर की इनकम है 22.95 और पूरे महीने भर कितने यूनिट्स थे, 300 लाख। 6 लाख तो 30 अप्रैल को आए ना एक्स्ट्रा, क्या उन 6 लाख यूनिट होल्डर्स का राइट बनता है पुराने महीने की जो इनकम हुई है उस पे? नहीं। So, पूरे अप्रैल महीने के लिए जो 22.95 की इनकम हुई है वो 300 लाख यूनिट्स की है, ठीक है, 300 लाख। तो आप पहले ये निकाल लो कि पर यूनिट 0.0765 कितना आ रहा है, 0.0765, ठीक है। अब आपने इश्यू किया 6 लाख यूनिट आपने इशू किया। अब आपको सीधी सी बात है, जब आप 6 लाख यूनिट इशू करोगे उन 6 लाख का राइट बनता है क्या कुछ भी इस इनकम पे 22.95 पे? नहीं। सो बेसिकली जब आप 6 लाख यूनिट इशू करोगे तो उनको उनसे भी एक्स्ट्रा इनकम लोगे। मतलब 6 लाख पे मान लो नॉर्मली आप 10 रुपए से इशू करते, जो भी एनएवी होगी वही एनएवी पे आप इशू करोगे, प्लस आपका जो एंट्री लोड वगैरह लगेगा वो भी, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का मतलब यहीं पर यही होता है कि हम सबको इनकम बांटने के लिए रिजर्व बना रहे हैं।
अब मानो अप्रैल एंड पे अगर कंपनी क्लोज हो जाती है तो 22.95 लाख किसको मिलना चाहिए, उन 300 लाख यूनिट होल्डर्स को मिलना चाहिए। और अगर अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा यूनिट होल्डर्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले वो उतनी एक्स्ट्रा इनकम कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, अब ध्यान दो थोड़ा सा, यहां पे मैं लेता हूं इनकम कंट्रीब्यूट, अब ये यही रेट से कितना रेट है 0.0765, सो मैं इनसे इतनी इनकम एक्स्ट्रा ले लूंगा 0.459, ये आ गया 0.459। अब क्या होगा एट द एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है, अभी अप्रैल तक की बात है, टोटल मेरे पास इनकम कितनी दिखेगी 23.409। ठीक है, मेरे पास यूनिट होल्डर्स कितने दिखेंगे 306, और अब अगर मैं डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्टली मेरी इनकम आती 0.0765 पर यूनिट होल्डर। मतलब यहां पे अभी नुकसान किसी को नहीं है, अगर आप उन 6 लाख यूनिट होल्डर से वो एक्स्ट्रा इनकम रिकवर नहीं करते तो आप यहां पे दिखाते 22.95 और यहां दिखाते 306 लाख यूनिट। इसका मतलब उन 6 लाख यूनिट होल्डर्स को भी पुरानी इनकम बांट रहे हो, तो ये जो आखिरी की वैल्यू है इनकम पर यूनिट ये कम हो जाती। सीधी सी बात है यार, एक महीना आप 10 लोगों ने काम किया है और 100 रुपए कमाए, तो हर एक की इनकम कितनी 10 रुपए हो गई। अब उस महीने के एंड में अगर आपको दो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 10-10 रुपए एक्स्ट्रा लेके आए, तब आपके पास 120 और 12 लोग होंगे तो भी 10 रुपए इनकम हर एक की होगी। पार्टनरशिप में नहीं, जितना मेरा वैल्यू होता है उतना, अगर कोई और पार्टनर ज्वाइन हो रहा तो मैं बोलता हूं कि उतना और मेरे अकाउंट में या क्या सॉरी कंपनी में आप लेके आओ, तब जाके आप उतने के हकदार बनोगे। ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम आपने ली है, ठीक है, लेस डिविडेंड पेड या इनकम पेड ऑन रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स। सीधी सी बात है, आप जब 3 लाख यूनिट्स वापस खरीद ले रहे हो, यानी 3 लाख यूनिट होल्डर्स आप अपने कम कर दे रहे हो, तो उनके हिस्से का डिविडेंड आपने वापस बांटना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज गलती की यहां पे, अभी नहीं लेना चाहिए था, ये इनकम आनी चाहिए थी इसकी, ये हटा देता हूं। पहले हम ले लेते हैं इनकम फॉर मे, मे मंथ की इनकम है 34.425, तो ये हो गया 34.425, 306 लाख यूनिट होल्डर्स है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल ले लेते हैं पहले। यानी अब आपके पास टोटल इनकम है 57.834, ठीक है, मई मंथ के एंडिंग में, और आपके पास यूनिट्स है 306, यानी हो गया 0.1890 पर यूनिट पे। और अब आपने 3 लाख यूनिट होल्डर्स को वापस घर भेज दिया, यानी कि अब आपके 306 लाख के 303 लाख यूनिट होल्डर हो जाएंगे। अब मैं यहां पे लेस करूंगा डिविडेंड पेड ऑन रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स। अब आपने कितने यूनिट्स रीपर्चेस किए, 3 लाख यूनिट रीपर्चेस किए, तो हर एक यूनिट की यूनिट की इनकम कितनी बनती है 0.1890। तो अब यहां पे आएगा थ्री इंटू 0.1890, आप उनको रिफंड कर दोगे, वो आती है 0.567।
तो आपकी इनकम इतने से कम हो जाएगी, तो आपके पास बचेंगे 303, 57.267। ठीक है, ये समझ में आया। एक्स्ट्रा यूनिट होल्डर्स आपकी कंपनी में आ रहे हैं तो उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उतनी इनकम, और अगर कोई यूनिट होल्डर्स जा रहे हैं कंपनी से तो उनका उनका पेमेंट वापस कर दो। ठीक है, अब आते हैं हम जून के लिए, इनकम फॉर जून। जून की इनकम थी 45.450, 303 यूनिट होल्डर्स, टोटल हो जाती है ये 7, 11, 7, 12 और 102, 102.717। ये आपकी इनकम है, पर यूनिट कितनी हो जाती है 0.339, लेकिन आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, पहले का आंसर। ठीक है, लेस 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, अब ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए सर, ये किसको डिस्ट्रीब्यूट किए? ये उन 303 लाख में हर एक यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यूनिट होल्डर्स कम नहीं हुए, यूनिट्स कम नहीं हुए, आपने बस बांटा है उनको डिविडेंड। ठीक है, सो 70% आपने बांट दिया, तो 303 ही है, ये भी 0.2373 कम हो जाएगा। बैलेंस इनकम रहेगी हमारे पास में 30.8151 और 303 लाख यूनिट होल्डर्स, 0.1017 पर यूनिट इनकम बची है कंपनी के अंदर में या म्यूचुअल फंड के अंदर में। तो ये आपका पहला पार्ट था, आपका मेन आंसर हो गया 102.717 लाख रुपीस। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे निकाला, ये भी निकाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा, 70% इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। अब आप एक काम करो, इतना सब कुछ नोट कर लो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये पूछा हुआ है कि आपको रीपर्चेस प्राइस, ये एक हमने निकाल दिया इनकम वाला पार्ट। ठीक है, इनकम कितना था पहले वाले पार्ट में, अब हम ये निकालेंगे सेकंड रीपर्चेस प्राइस, सॉरी रीपर्चेस नहीं, इश्यू प्राइस। हमने 6 लाख यूनिट्स इश्यू किए हैं वो टाइम पे, और इश्यू प्राइस क्या होगी ध्यान देना। अभी मैं यहां पे निकाल लेता हूं, उन्होंने बोला था ओपनिंग एनएवी, ठीक है, वो थी 18.75, लेकिन सिर्फ हम 18.75 लेंगे क्या उनसे? नहीं, हम उनको यूनिट्स बेच रहे हैं ना, इश्यू कर रहे हैं, तो 18.75 नहीं, हम उस पे 2% का एंट्री लोड लेंगे, क्योंकि वो एंट्री कर रहे हैं हमारे म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो ये टोटल देख लेते हैं, 19.125। क्या इतना काफी है उनसे लेने के लिए? नहीं सर, 0.076 और ऐड होगा। सर हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए, क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा यूनिट्स जो हम उनको दे रहे हैं उनका वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे इनकम में भी, इसलिए आज तक की जितनी इनकम है पहले वो भी आपने कलेक्ट लेके आना है कंपनी में म्यूचुअल फंड में। सो वो था 0.0765,
आप अगर पुराना वाला टेबल देखोगे, पुराने वाले पार्ट में, तो आपको दिखेगा 30 अप्रैल को जो हमने 6 लाख यूनिट्स रेज किए थे, तो उनसे हर एक से कितनी की इन कितने इनकम की डिमांड की थी, 0.0765। सो ये इश्यू प्राइस आ जाएगी आपकी। ये एक पार्ट हो गया। अब मैं ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट लेता हूं, ये रीपर्चेस प्राइस, कि आपने रीपर्चेस किए हैं यूनिट्स, तो आपने उनको कितना प्राइस दिया है, तो एनएवी दोगे उस पे। अभी क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, इशू किया था तो आपने 6 लाख यूनिट दिए, तो पहले तो एनएवी ली, फिर 2% लिया, फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी लिया, इसलिए सब ऐड किया क्योंकि सब लिया। अब क्या होगा ये देखो, ओपनिंग एनएवी ठीक है, वो है 18.75। अब ये बताओ, आप यूनिट्स खरीद रहे हो ठीक है, तो 18.75 उनको दोगे, लेकिन उसमें से कुछ काटोगे, क्या? एग्जिट लोड। तो काटोगे तो माइनस होगा, लेस 2%, सॉरी एग्जिट लोड वो आएगा 0.375। लेस नहीं, ये ऐड होगा आपका। आप उनको यूनिट्स आप रीपर्चेस कर रहे हो, तो पैसे आप उनको वापस दे रहे हो, तो एग्जिट लोड तो काटोगे, लेकिन आप उसमें उनको डिविडेंड बांट रहे हो। पहले डिविडेंड ले रहे थे, अब डिविडेंड बांट रहे हो क्योंकि वो चले जा रहे हैं। तो 3 लाख लोगों जितना जो यूनिट है वो आप ऐड करोगे, 18.375 के साथ उनको वापस दोगे, वो था 0.1890। परचेज प्राइस आपकी बन गई, यानी आपको म्यूचुअल फंड को कितना देना है यूनिट होल्डर्स को, 3 लाख यूनिट होल्डर्स को, 18.564 ठीक है। तो ये एक आपका आंसर हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट है कि ये 30 जून को एनएवी कितनी थी। आपका फर्स्ट आंसर पहले वाले पार्ट में, सेकंड थर्ड आंसर ये दो आ गए, लास्ट वाला पार्ट है आपका एनएवी। एनएवी एज ऑन 30 जून 2000 जो भी होगा ठीक है। अब एनएवी कैसे निकालते हो, कि नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे कितने थे, 306 लाख, ये तो पता है, बस आपको नेट असेट्स निकालने की जरूरत है। अब मैं नेट असेट्स का कैलकुलेशन नीचे में कर रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे बिगिनिंग में जब आपने कहानी शुरू की थी, तो नेट असेट्स कितने थे, 300 × 18.75, ये था 5625 ठीक है। उसके बाद में आपकी यहाँ इनकम ऐड हुई 22.95 प्लस, और कुछ तो ऐड हुआ क्योंकि आपने 6 लाख यूनिट खरीदे थे ठीक है, 6 लाख यूनिट खरीदे थे 19.2015 के रेट से। ये 19.2015 का रेट ये रहा, यहां से आया, ये आपका सेकंड का आंसर है ठीक है, 19.2015 गया, 115.209। तो इतना पैसा आपके पास और आया। फिर 31 मई की इनकम थी 34.425, तो ये ऐड होगी, लेकिन आपका यहाँ कुछ माइनस होगा कि कुछ यूनिट्स आपने बेच दिए। क्या प्राइस पे, ये प्राइस पे बेचे थे 18.564, 3 लाख × 18.564, 55.692 ठीक है। उसके बाद आपकी इनकम थी लास्ट वाली 45.450 ठीक है, 45.450 इनकम ऐड होगी,
प्लस पोर्टफोलियो जो एप्रिशिएट हुआ है आपका वो कुछ 445 पोर्टफोलियो एप्रिशिएशन की वैल्यू नहीं दी हुई है अपन को, क्वेश्चन में देख लेते हैं ठीक है। और पोर्टफोलियो एप्रिशिएशन की वैल्यू हमको दी हुई है 425.27 लाख, तो इतने से वैल्यू और बढ़ेगी। इसके बाद हमने कुछ इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है 71.9019, ये सारी फिगर्स एडजस्ट होके नेट असेट आएगा, नेट असेट वैल्यू आएगी। एक बार कैलकुलेशन यहां बता दिया, एक बार अच्छे से मैं यहां पे आपको लिख देता हूं ठीक है। ओपनिंग नेट असेट्स 300 लाख इंटू 18.75 ठीक है, तो ये आ गया 5625 लैक्स। उसके बाद मैं अगले स्टेप पे मूव ऑन करता हूं, तो मैं इश्यू के लिए ले लेता हूं ऐड 6 लाख यूनिट्स इश्यूड, तो 6 लाख इनटू क्या रेट पे इश्यू किया 19.2015 वो था 115.209 ठीक है। उसके बाद ये इनकम वाला जो पार्ट है ना तीनों लेवल पे, ये मैं आखिरी में ले लूंगा, लेस 3 लाख यूनिट्स रीपर्चेस्ड, तो वो 3 लाख यूनिट क्या रेट पे रीपर्चेस किए 18.564 वो होती है 55.692। ये रहा। उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकम फॉर अप्रैल टू जून, तीनों मंथ की इनकम ले लो आप, 22.95 प्लस 34.425 प्लस 45.450 102.825 उसके बाद पोर्टफोलियो वैल्यू एप्रिशिएट हुई 425.27। उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपके कंपनी से ही, आपके म्यूचुअल फंड से ही पैसा बाहर गया। अल्टीमेटली क्या निकाल रहे हैं कि कितना पैसा बचा हुआ है, कितनी वैल्यू बची हुई है कंपनी की, 71.9019। क्या क्या लेस करना है, ये लेस करना है और ये लेस करना है, ये आ जाएगा आपका नेट असेट्स। एक बार फिर से 303 लाख यूनिट ही थे एनएवी ऑन 30 जून, डिवाइड कर लो 20.2664,
कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो आप उसको ठीक कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, बस वही ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है. सो पहला पार्ट आपने देख लिया, उसकी कुछ इनकम आई थी 101 पॉइंट समथिंग जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थी, दूसरा 19.2015, तीसरा 18.564 और ये चौथा 20.2664. मैं एक बार फाइनली आपको यहाँ पे चारों आंसर्स लिख देता हूँ. पहला वाला मुझे याद नहीं है तो पहला आप लिख लेंगे. ठीक है, रेफर कर लेना आप पहला वाला. सेकंड था इश्यू प्राइस, थर्ड था रीपर्चेस प्राइस और फोर्थ था एनएवी. सो 19.2015, 18.564 और 20.2664. तो ये आपका पूरा पर्पस सॉल्व हो जाता है. आंसर्स नोट डाउन कर लो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी द डाउट्स. इक्वलाइजेशन रिजर्व समझ गया, एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी समझ गया, एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट भी हमने इस क्वेश्चन में देख लिया. बाय बाय.